हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सुमन किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो जानकारी है वो है छोटे बच्चों से रिलेटेड। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिनको डिलीवरी हुई होती है और वह बच्चे को फीड कराती है, फीड कराते समय अधिकतर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो ब्रेस्ट की निप्पल होती है वहाँ पे कभी कभी क्रैक हो जाते हैं, काफ़ी दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि जब बच्चा फीड करता है तो स्किन हर किसी की एक जैसी नहीं होती है, उससे रिलेटेड ही हमने वीडियो बनाया है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, ये बता रही हूँ मैं आपको, इस तरह से बॉक्स आता है, ये सिलिकॉन निप्पल शीट, और ये सॉफ्ट एकदम कंफर्टेबल है एंड इजी टू यूज़। बहुत ही इजी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं आप, और आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये निप्पल शीट मिल जाएगी। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, जब बेबी फीड करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन किसी की काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो जब बेबी फीड करता है जैसे बच्चों के दांत आ जाते हैं तब इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि निप्पल में, जिससे ब्रेस्ट के निप्पल में अगर प्रॉब्लम हो गई है, उसमें घाव हो गए हैं, इचिंग हो गई है या फिर स्वेलिंग हो गई है, काफ़ी दर्द होता है फीड कराते समय, उसके लिए है। यहाँ पे इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 65 रुपीज़ है, और इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई, पैकिंग जुलाई 2020 की, और एक ही पीस इसके अंदर आता है। तो चलिए आपको खोल के बताते हैं कि अंदर से किस तरह से पीस आता है, इसका कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी यूज़ है यहाँ पे इसका। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद में देखिए, अब मैं बताने वाली हूँ आपको ये किस तरह से शीट आती है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला कवर है और ये आगे वाला है, तो इसको ब्रेस्ट के आगे निप्पल के साइड में लगेगा, और ये जो पीछे वाला कवर है ये पीछे की तरफ लगेगा ब्रेस्ट के। तो यहाँ पे देखिए, बस करना कुछ नहीं है आपको, बस इसको आपको हल्के से आगे से प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखिए, छेद भी आता है बच्चे के दूध पीने के लिए। तो जब भी आपको कभी भी बेबी को फीड कराने में प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो गई है, घाव हो गए हैं, तो आप परेशान ना हो, और मेरे इस वीडियो से आपको जानकारी मिल रही है तो आप इस तरह से मेडिकल स्टोर से ख़रीद लें और इसका यूज़ कर लें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आज के टाइम में माताओं बहनों को प्रॉब्लम आती है, बस इस तरह से पीछे लगा दें और बच्चा फीड कर लेगा। तो देखिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी, कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके आपको मुझे ज़रूर बताना है।